आज हम सूजी का हलवा और दोस्ती रोटी बनाएंगे। शिवरात में बहुत से लोगों के यहाँ हलवा और दोस्ती रोटी का न्याज होता है। आप मेरे तरीके से हलवा और दोस्ती रोटी बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम सूजी का हलवा और दोस्ती रोटी बनाएंगे। सबसे पहले दोस्ती रोटी के लिए मैदा गूंद लेंगे। एक बाउल में 2 प्याली मैदा डालेंगे। ये देखें, इस प्याली से 2 प्याली लेंगे। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप और ज़्यादा ले लें। ये देखें, 2 प्याली मैदा और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, बड़े चम्मच से, और 1/4 चम्मच नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गून लेंगे। जिस तरह से रोटी का आटा गूनती हैं, इसी तरह से गूनेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, ऐसे गूनते जाएंगे। आप इस तरह से बना के हलवा दोस्ती रोटी नाश्ते में भी खा सकती हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। और अभी तो शिवरात आने वाला है, उसमें आप बनाएं, न्याज करवाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये आटा गून चुका है। अब इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे ऊपर से, ताकि इसकी पापड़ी ना ऊपर से जमे। और इसे ढककर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। इसे एक साइड में रख देंगे और इतने देर में हलवा बना लेंगे। कढ़ाई में 1 प्याली घी डालेंगे और इसे गरम होने देंगे। अब इसमें सब्ज इलायची डालेंगे 4। आपके पास इलायची पाउडर है तो भी डाल सकती हैं। अब इसमें 1 प्याली सूजी डालेंगे भर के। ये 1 पाव सूजी है। 1 पाव सूजी में आप 1 प्याली घी डाल के इसे भूनें, ये बिल्कुल सही बनेगा। इसे इतने देर तक भूनना है हल्की दरमियानी आंच में, कि ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए और इसमें कलर आ जाए हल्का सा। इतने देर तक भुनेंगे। इसी तरह से चलाते हुए भुनेंगे ताकि जले ना नीचे से। अब दूसरी साइड हम इसका सीरा बना लेंगे। 1.5 प्याली चीनी लेंगे। 1 प्याली सूजी में 1.5 प्याली चीनी और इसमें 3 प्याली पानी डालेंगे। ये देखें, इसी प्याली से भर के 3 प्याली पानी डालेंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें तार नहीं बनाना है, बस सिर्फ पानी में उबाल आ जाए और चीनी मिक्स हो जाए, बस इतने देर तक पकाएंगे। ये उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, सूजी भुनने पे आ चुका है, इससे घी अलहदा हो रहा है और इसमें कलर भी आ चुका है हल्का सा। ये सूजी की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें पानी डालेंगे, ये शीरा डालेंगे। देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, बस सिर्फ उबाल आने तक पकाना है इसे। अब इसको सूजी में डालेंगे
ये सारा सीरा को डालेंगे सूजी में और इसे पकाएंगे दरमियानी आंच में। इसी तरह से पकने देंगे इसे। अब इसमें से इलायची निकाल लेंगे, इसकी खुशबू इसमें आ चुकी है हलवा में। अब इसे इतने देर तक पकाना है कि कढ़ाई छोड़ने लग जाए, तो समझे हलवा तैयार है। ये देखें ये तैयार हो चुका है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। ये बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है दानेदार हलवा। ये देखें अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये सारे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए एक पाव सूजी से कितना सारा हलवा बना है। अब इसमें किशमिश डालेंगे, और इसमें बादाम डालेंगे कटा हुआ, बारीक कटा हुआ बादाम, और पिस्ता डालेंगे। और इसमें नारियल का चूरा डालेंगे। ये देखें आप चाहें तो नारियल काट के भी डाल सकती हैं कटा हुआ। ये सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब दोस्ती रोटी बना लेंगे। ये देखें इसका आटा नरम हो चुका है। अब इसका पेड़ा बनाएंगे छोटा छोटा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेके इसका छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे। ये देखें इस तरह का। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे इसमें। ये देखिए इस साइज का बनाना है। अभी इसे थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों से। इसी तरह से दोनों को फैला लेंगे। अब इसमें घी लगाएंगे। दोनों में घी लगाएंगे इसी तरह से। अब इस तरह से एक दूसरे में लगाकर इसे फैला लेंगे हाथों से थोड़ा, उसके बाद बेलन से बेल लेंगे।
रोटी की जैसा, लेकिन बारीक बेलना है इसे। अब इसे रोटी की जैसा बेलेंगे। चूल्हे पे तवा रख दिए थे गरम होने के लिए, अब ये दोस्ती रोटी इस पे डालेंगे। इसे एक साइड से थोड़ा होने देंगे। अब इसे पलट लेंगे। ये देखिए हल्का सा एक साइड से हो चुका है, अब दूसरी साइड से सेकेंगे। ये देखिए इसका लेयर अभी से खुल रहा है। एक दूसरे साइड से हो चुका है, अब एक साइड और हो जाए फिर इसे निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्ती रोटी पक चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा घी लगाएंगे इसके ऊपर। ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही नरम सॉफ्ट। ये देखें इसका लेयर देखें खुल चुका है अपने इसे। अब इसे इस तरह से दोस्ती रोटी बनाएं हलवा के साथ और नाश्ते में खाएं, शुभ रात वाले दिन आज करवाएं, बहुत ही